अब तक आपने देखा गुरुजी शंकर और मंजरी को बताते हैं कि विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है और इस वजह से विनायक पर बार बार जानलेवा हमले हो रहे हैं, जिसका उपाय ये है कि अगर आने वाले 6 दिनों में विनायक की शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जाती है तो उसकी जान बच सकती है। वही राजवीर विनायक को अगवा करने की योजना बनाता है, लेकिन विनायक के साथ रिद्धि भी अगवा हो जाती है। रिद्धि और विनायक वहाँ से बच निकलते हैं, लेकिन वही गुंडे विन को गाड़ी से टक्कर मार के जख्मी कर देते हैं। उनके बचने के चांसेस अभी बहुत कम है। तुझे मेरे बेटे को मुझे वापस लौटाना ही पड़ेगा पापा। अब आगे चलिए दिनेश जी। मुझे किस तरह से दिन का सपना पैर खत्म हो रहेगा। मेरे पास बहुत कम वक्त है, मुझे विनो के पास जल्दी से पहुंचना होगा। क्या करूं? जल्दी चलिए दिनेश जी, जल्दी चलिए। आप पूछता हूँ भाई साहब कितना टाइम लगेगा? अरे आगे ऑयल का टैंकर पलटी हो गया है, 1 घंटा लगेगा। गणेश जी के हिसाब से तो मेरे पास बहुत कम है। दिनेश जी आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी लेके गणेश मंदिर पहुँचिए, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। जी मैम। ऐसे तो पब्लिक दो ही टाइम पर भागता है, या तो किसी प्यारे की जान खतरे में हो या फिर पुलिस पीछे पड़ी हो। आपको देखकर लगता तो नहीं कि पुलिस पीछे पड़ी होगी, आखिर बात क्या है? मुझे जल्दी से जल्दी गणेश मंदिर जाना है। उत्तरी, अब पता चला कि पप्पा ने मुझे इस वक्त इस रास्ते पर ऑटो ले जाने के लिए क्यों बोला है। मैं भी गणेश मंदिर की तरफ का भाड़ा ढूंढ रहा था। आप आ जाओ बैठो। लेकिन भैया जी यहाँ पर तो बहुत ट्रैफिक है। अपने ऑटो का नाम सिद्धि विनायक एक्सप्रेस है, पप्पा है अपने साथ, हम जल्द से जल्द पापा के घर पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, जल्दी चलिए। जी भैया, चलिए। सिद्धि विनायक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, और इत्तेफाक से आज पापा आपके को पैसेंजर हैं। आप इनको संभालो, बाकी ये सब खुद संभाल लेंगे। गणपति बप्पा मोरिया। हे बप्पा, कुछ तो चमत्कार करते हो। मेरा बेटा उधर मर रहा है, बचा ले बप्पा, मेरे बेटे को बचा। आज बप्पा को ही कोई चमत्कार दिखा रहा हूँ। हमारे लिए रास्ता बना ही देंगे। पापा कुछ भी करके समय रहते मुझे वीनू के पास पहुंचा देना। विनायक आके खोलना पा, खोलना आके, उठना उठना विनायक। नहीं सुनेगा ना तू गुहार मेरी, मत सुन। जानता है शास्त्रों में तुझे शंकर का पुत्र माना जाता है ना? ये जो विनायक आज मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है ना, इसके बाप का भी नाम शंकर है।
यानी कि मैं तुझे इसको अपने पास बुलाना है ना, बुला। लेकिन इसके साथ साथ तुझे मुझे भी अपने पास बुलाना होगा, बुलाना होगा, बुलाना होगा, बुलाना होगा। चाचा जी क्या कर रहे हैं, बुलाना होगा। कर कुछ, जल्दी कीजिए भैया, प्लीज भैया जल्दी कीजिए। पापा, विनय, मैं तेरी माँ हूँ ना, हाँ, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। बेटा तूने हर बार अपने माँ की बात मानी है ना, तो फिर इस बार क्यों नहीं मान रहा है? उठ ना विनायक। लीजिए मैडम, पापा ने आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया, आ गए हम आपके विनायक के पास। अरे कोई बात नहीं मैडम, पैसा बाद में दे दीजिएगा। पर मैं आपको ढूंढूंगी कहाँ? गणपत शंकर राव नाम है मेरा, सिद्धि विनायक एक्सप्रेस चलाता हूँ, कोई भी ऑटो वाला मेरा पता बता देगा। अभी आप जिस काम के लिए आए हो पहले वो करो। शुक्रिया। मैं करूंगी विनायक से शादी। गुरुजी ने कहा था कि कोई भी लड़की अगर विंसर से शादी कर लेती है तो उनकी जीवन रेखा थोड़ी और आगे बढ़ सकती है। लेकिन रिद्धि, गुरुजी ने उसके साथ कुछ और भी कहा था, तू जानती है ना तू क्या करने जा रही है और उसका परिणाम क्या हो सकता है? फिलहाल तो मुझे बस इतना ही पता है कि अगर मेरी विंसर से शादी करने से अगर उन्हें एक पल की भी जिंदगी और मिल सकती है तो मुझे मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। उनकी जिंदगी बचाने के लिए मैं मौत को भी गले लगा सकती हूँ। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटा। भाई साहब इन्हें जल्दी से व्हीलचेयर पे बिठा दीजिए। व्हीलचेयर? व्हीलचेयर पे क्यों? शंकर अब ये सवाल करने का वक्त नहीं है। रिद्धि जैसा कह रही है ना बस वैसा करो। जल्दी कीजिए। पंडित जी जल्दी से विवाह की सामग्री ले आइए। हाँ जी। We'll be right back.
यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योः मोक्षाय मामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योः मोक्षाय मामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योः मोक्षाय मामृतात् मनवीर भैया भैया 9 बज चुके हैं भैया अभी ठीक तो है ना सुनिए जी देवर जी कैसे हैं वहां सब ठीक तो है ना मनवीर भैया विन भैया ठीक तो है ना विन हमारे साथ नहीं रहा क्या 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 विन हमें छोड़ के चला गया
भैया ये कैसा मजाक कर रहे हो भैया, ऐसा कैसा हो सकता है, मैं हमें छोड़ के नहीं जा सकता भाई, हमारा बिना मैं छोड़ के नहीं जा सकता भैया। जिस खबर का हमें बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार हमें मिल ही गया। हमारा प्यारा विन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वाह जानू, तुम तो मेरे पति से करोड़पति बन गए। सच में कमाल कर दिया माता रानी ने, विन नाम का काटा हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट गया। इसी बात पे शैंपेन हो जाए। ओके। आज की शाम विंग के बाप के नाम। चीयर्स। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तू अब भी नहीं उठाना, हम सब मर जाएंगे। सब जीते जी मर जाएंगे। विन उठ जा यार, उठ जा। लो विनु, दे दी मैंने तुम्हें अपनी सारी जिंदगी, मेरी हर सांस अब से तुम्हारी। अब तो उठ जाओ प्लीज, लौट आओ बीनु, लौट आओ। विनायक, रिद्धि ने अपनी सास तेरे नाम कर दिए। इस लड़की के बलिदान का मान रख पापा, उसने वो किया है जो आज तक किसी ने कभी नहीं किया। पापा मेरे विनायक को लौटा दे, उसे जीवन दान दे दे। चाची जी, विन जिंदा। शक्ति समन्विते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। हम तो लौटाओ विनु, अपनी सिद्धि के लिए लौटा। ये देखिए, 14 महीने पहले जब विन के सर पर चोट आई थी, ये उसका एक्सरे, और ये इस बार का एक्सरे। दोनों ही बार उसके सर पे गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक है। ये बच तो गए, लेकिन आप लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। यू ऑल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और हाँ, तब तक आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि विन को किसी भी प्रकार का इमोशनल शॉक या सदमा नहीं लगना चाहिए। डॉक्टर, लेकिन अभी इनके जान का कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ही इज ऑल फाइन, बट अभी हम उन्हें 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। Thank you.
शंकर, शंकर विनायक को होश है। माँ, विनायक पड़ा तुझे होश आ गया? ओए, ओए बेटा जी ठीक हो गया तू? ठीक हो गया? हाँ विनायक, और ये सब इस रिद्धि की वजह से हुआ है। एक बार फिर से रिद्धि की वजह से तुझे जीवन दान मिला है बेटा। मतलब ये कि तेरी रिद्धि से शादी हुई है। विनायक, क्या कर रहे? ये क्या मजाक है? मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर आपने मेरी शादी करवा दी। और आपको क्या लगता है मुझे खुश होना चाहिए? हमें तो लगा था कि हम तुझे खो चुके हैं, और ऐसे में तुझे मौत के मुंह से निकालने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता बचा था। बेटा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। गुरुजी ने हमसे यही करने, बस बस कीजिए। आप दोनों ने पहले मेरी जिंदगी का मजाक बना के रखा हुआ था, तो कम से कम मुझे चैन से मरने तो दिया होता। कभी मौत, कभी शादी, कभी शादी, कभी मौत। विनायक, इन दो शब्दों ने मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया। शर्म आनी चाहिए। आप दोनों ने मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मेरी शादी करवा दी, और वो भी इससे। बस विन विनायक 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 डॉक्टर 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 जल्दी आइए। आप लोगों को डॉक्टर्स की बात समझ में नहीं आती है क्या? आप लोगों को कितनी बार कहा है कि पेशेंट को किसी भी तरीके का इमोशनल ट्रॉमा नहीं होना चाहिए? अब देखिए क्या कर दिया है आप लोगों ने। नहीं, नहीं बताएंगे डॉक्टर। रिद्धि, रिद्धि बेटा क्या हुआ? क्या बुदबुदा रही है तू? हाँ, और तू इतनी डरी हुई क्यों है? हाँ देख, भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब तो कुंद्रा खानदान की बहू है और विनायक की पत्नी। एक काम कर, आज से तू ना मुझे माँ बुलाया कर, विनायक की तरह। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बातें वगैरह सब बाद में, पहले एक रस्म बाकी है वो पूरी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने खास गुरुजी को बुलाया। लो आ गए गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जीते रहो। विन की तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है, अभी वो खतरे से बाहर है गुरुजी। ये मंगलसूत्र गुरुजी ने खास सिद्ध किया है तुम्हारे लिए। लो, इसे पहन लो और विनायक की पत्नी बन जाओ।